नवरात्र महोत्सव समिति द्वारा ठीकरी में अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कई प्रख्यात कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखें ये खास रिपोर्ट। ठीकरी में नवरात्र महोत्सव समिति द्वारा आयोजित अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन में राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन, नरेंद्र अटल, अंतर्राष्ट्रीय गीतकार हाशिम फिरोजाबाद, कमल मनोहर, डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे, राम भदावर, कृष्णपाल सिंह राजपूत, सुनील समैया आदि उपस्थित रहे। कवियों ने अपनी कविताओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रात 9 बजे शुरू हुआ आयोजन देर रात 3 बजे तक चला। सहयोजक राजेश महाजन ने कहा कि इस आयोजन में देश के जाने माने कवियों को आमंत्रित किया गया था। आयोजन समिति की टीम द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कवियों का चयन किया गया। ये हम हर साल नवरात्र महोत्सव के समय कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण इस बार कार्यक्रम नहीं कर पाए। उसी उपलक्ष्य में इस बार हमने, जैसे ही लॉकडाउन ये खुला, कि काफ़ी समय से समिति की इच्छा थी, और ये कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में हम लोगों ने YouTube पे देखकर सभी समिति के सदस्यों ने देश के जाने माने कवि, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आदरणीय दादा सत्यनारायण जी सत्तन जी, जो इंदौर से राष्ट्र कवि हैं और हमारे निमाड़ की धरोहर आन बान शान नरेंद्र अटल जी, और उत्तर प्रदेश से ही हम सबके एकता का प्रतीक हाशिम फिरोजाबादी जी, हम सबके बीच वैसे ही ठीकरी एकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे अपनी सद्भावना बनाए हुए हैं। साथ में श्रीमती डॉक्टर प्रेरणा दीदी और कमल मनोहर जी, राम भदावर जी, वीर रस के जो कवि हैं, एक अच्छी टीम का चयन किया है कि लोग इस काव्य पाठ को काफ़ी समय तक याद रखें। इस मौके पर राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि साहित्य को गंभीरता से सुनने का भाव ठीकरी के श्रोताओं के पास सुरक्षित है। पूरे निमाड़ में यह स्थिति पाई जाती है। साहित्य को गंभीरता से सुनने का भाव ठीकरी के श्रोताओं के पास सुरक्षित है। अभी तक जो कवि सम्मेलनी प्रक्रिया में आने वाली जो तमाम सारी गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों से अलग हट करके इस स्थान पर पूरे निमाड़ में ये स्थिति पाई जाती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दल बदलने की राजनीति तो दिल बदलने से ज्यादा खतरनाक होती है। उन्होंने कहा कि एक जैसी कविता आने से लोक रुचि हास्य की तरफ मुड़ रही है। उन्होंने कहा कि साहित्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, जबकि राजनीति में मतभेद होते हैं। ये दल बदलने की राजनीति तो दिल बदलने से ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसका कारण ये होता है कि एक सरकार जो अपना काम कर रही है, वो अपने ही साथियों से छल कर, देशभक्ति का भाव ज़्यादा जागृत हुआ है, लोगों ने अपने आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके राष्ट्र की आराधना में अपने आप को लगाने के लिए अपनी कलम को मोड़ा है, इसलिए एक सरी की कविताएँ आ रही हैं। एक सरी की कविताएं आने के परिणाम स्वरूप जो है लोक रुचि हास्य की तरफ मुड़ रही। राजनीति और कवि सम्मेलन दो अलग अलग ध्रुव हैं। साहित्य जो है वो साहित्य, उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता, राजनीति में मतभेद होते हैं। ठीकरी तो बहुत अच्छा शिव स्थान है, माता रेवा का किनारा है, अच्छे सुसंस्कारित लोगों की भूमि है, और उस यहाँ पर धर्म की भावना, राष्ट्र की भावना, सामाजिक चेतना, हिंदू मुस्लिम का एकात्म स्वरूप से एकत्रित होना, ये सब कुछ यहाँ पर पाया जाता है। बहरहाल देखा जाए तो ठीकरी में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने सभी का मन मोह लिया। MP News के लिए टीना मित्तल की रिपोर्ट।